सहरसा में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला सहरसा सदर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक का है, जहां बीते देर रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 5 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने विभिन्न दुकानों से नकदी समेत लाखों के सामान की चोरी कर ली, जिसके बाद घटना से पीड़ित दुकानदारों और स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने इस्लामिया चौक के समीप मुख्य बाईपास रोड को घंटों जाम कर दिया और सड़कों पर टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था, इस्लामिया चौक पर बीते देर रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 5 दुकानों में चोरी की और नकदी समेत लाखों के सामानों की चोरी कर ली। अगर पुलिस गश्ती होती तो एक साथ 5 दुकानों में चोरी की घटना नहीं होती। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि इस्लामिया चौक पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए, साथ ही अज्ञात चोरों पर कार्रवाई की जाए। वहीं सड़क जाम और प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सदर थाना अध्यक्ष राजमणि पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को कार्रवाई का भरोसा भी दिया और सड़क जाम हटवाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। सहरसा में अपराध, चोरी और छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। रात में इस्लामिया चौक के 5 दुकानों को तोड़कर चोरी की गई, जिसके विरोध में दुकानदार और आम नागरिकों के द्वारा सड़क जाम को किया गया है। सहरसा में पुलिस प्रशासन फेल है, पुलिस पर से आम लोगों का विश्वास उठ गया है, इसलिए लोग सड़क पर उतरे हैं। बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा और हर लोगों को अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज देंगे, उसमें वो सफल नहीं है। आज सब लोग नीतीश के खिलाफ भी नारा लगा रहे हैं और सहरसा पुलिस प्रशासन के खिलाफ उसी के लिए सड़क जाम किया गया है। सड़क जाम है, इन लोगों का मांग है कि यहाँ पर रात में 2-4 लोगों से 10 को पुलिस दिया जाए गश्ती के लिए। आखिर काहे लोग जाम किया? चोरी हुई है, रात में पता चला कि 3-4 दुकान में चोरी, उसी के विरोध में बड़े पदाधिकारी आएंगे, राय विचार करेंगे, टॉर्च लगाना है। क्या नाम है आपका? SIC।